कौन सा दहशतगर्द तंजीम को प्रोटेक्ट करके हम इतने बड़े मुसलमान ईरान मुल्क से दुश्मनी लेने का कोई फायदा पाकिस्तान को नहीं है। ईरान हमारा फ्रेंडली हमसाया है, उसको फ्रेंडली रखना है। ये हम कर रहे हैं। बात यह है, देखिए मैं आपको बात करूं कि हमारे खिलाफ जो कैंपेन शुरू की गई, यकीन कीजिए कि हमें पता ही नहीं चला कि वो शुरू किसने की और कहां से हुई। उलमा का काम यह था कि पहले हमसे बात करते फतवे लेने से पहले। जब किताबें हमारे खिलाफ लिखी गई उनको उठा के देख लीजिए, उसमें लिखने वाले बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि मैं आज तक जिंदगी में दादामे से नहीं मिला, ना पूछा, ना बात की, ना शक्ल देखी, ना बात सुनी। और जो लोग मुझसे मेरे पास लेकर आया, मैंने फतवे लेके जारी कर दिए। आज भी पाकिस्तान की मस्जिदों में हमारे खिलाफ फतवे दिए जा रहे हैं। यानी हम ये बात ही इससे सरप्राइज है, ये फितना खड़ा कर किया जा रहा है, लेकिन ये फितना हम नहीं खड़ा कर सकते। कौन खड़ा कर रहा? द पॉइंट इज दिस, व्हाट आई एम सेइंग, यहां गलतफहमियां हो गई, इस मामले को रिजॉल्व करना। लेकिन बहुत बड़ी तादाद है, मैंने आपके सामने भी नाम दिया कि बहुत बड़ी तादाद में अहले सुन्नत के उलमा, फुकरा, औलिया, दरवेश, मशायख हमारे साथ भी खड़े हुए। माशाल्लाह आज हमारे बुजुर्ग एक जहमत की उम्र के बावजूद तशरीफ लाए, हमारे साथ तशरीफ रखते, यही बताने के लिए कि ये मामला इख्तलाफी है। हम यूसुफ के मसले में नहीं पढ़ रहे, उस मामले को पढ़ नहीं पाए, खत्म कर छोड़ो। और अपना खत्म नबूत का अकीदा हम बिल्कुल वाकई कर चुके हैं। हमारा किरदार साफ गवाही देती है इस बात की, हमारा किरदार बैकग्राउंड बता रहा है, हम तो छुपे भी नहीं है, इसी मुल्क में पैदा हुआ, यही रहते हैं लोगों के बीच में। और फिर पूरे पाकिस्तान में हम दौरे कर रहे हैं, हम एक दफा फिर बहुत प्यार के साथ उन तमाम दोस्तों से कहते हैं जो हमसे दराज है, ये हमारे बारे में शक रखते हैं, खुदा के बात की जरूरत करें, आए मोहब्बत और प्यार से बैठे। हमारा आपका मिशन एक है, जिसने मेरी साथ को नुकसान पहुंचाया अल्लाह के लिए अल्लाह माफ करता हूं, हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी भी बात यह है कि पहली बात तो ये एफआईआर उन्होंने कटवाई, उनसे पूछी नहीं, उन्होंने कटवा के रख दी वहां पर। और मैं तो गिरफ्तारी के लिए बैठा हुआ था, क्योंकि मैं तो पिंडी में था, मैं इंतजार कर रहा था कि कब पुलिस आएगी मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी। मैं तो भागने वालों में से नहीं था, आप वो सिटिंग राइट थे, मैं तो घूम चुके, यानी किसारत अखबार में मैं हैरान हूं, मैं बिल्कुल मीडिया के सामने की बात कह रहा हूं, किसारत जो कि जमात इस्लामी का नजरियाती अखबार समझा जाता था, किसारत ने खबर लगा दी कि ज़ैद हामिद को मुल्क की आला शख्सियात ने मुल्क से बाहर फरार करा दिया। और मैं आपके सामने भी हूं, वहीं भी बैठा हुआ था, सब कुछ था। हम पूछना चाहेंगे जमात इस्लामी से किसारत से कि क्या मुनव्वर हसन साहब की पॉलिसीज है, या किसारत अपने तौर पर यह झूठी खबरें लगाते हैं जमात इस्लामी की रेडिबिलिटी को खराब कर रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो हम इस घर में बैठ के इंतजार कर रहे थे कि पुलिस आकर मुझे गिरफ्तार करे। 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए जब से एफआईआर करके पुलिस नहीं आई, मैं इंतजार करता रहा, मैं कहीं फरार नहीं हुआ, एक एक रात मैंने घर पर गुजारी। फिर मुझे खबर मिली कि मालूमत में मुफ्ती नईम साहब का बयान मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि ज़ैद हामिद के खिलाफ एफआईआर गलत कटवा दी गई है, असल में दुश्मन कोई और लोग हैं और एफआईआर जल्दबाजी में कटवाई गई है, और ये तो ज़ैद हामिद को अहमियत देने की जरूरत ही नहीं है। फिर लुखियानवी साहब के बेटे का बयान भी आ गया, और जाहिर है जब कोई सबूत है ही नहीं व्हाट्सएपर, तो फिर पुलिस को भी मालूम है, और इसमें जाहिर है इस तरह से तेरीम के लिए हुई तो एजेंसीज भी इंपॉर्ट है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो जो हमें फीडबैक पुलिस की तरफ से आया वो ये कि साहब अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, एफआईआर बाकी है, खत्म नहीं हुई, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, शायद हमसे इंटरोगेट करने के लिए, पूछने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, कराची ले जाने के लिए आए। आई एम वेटिंग फॉर इट, मैं भागा पीछे बैठा हूं। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि जिन लोगों ने एफआईआर कटवाई है, अब जबकि उनके बुजुर्गों ने भी ये कह दिया है कि गलती हुई है, और जाहिर ऐसा दुश्मन को है जिन्होंने उससे पहले लुजानी साहब को, उससे पहले मुफ्ती जमील साहब को, शामजई साहब को शहीद करवाया था, वही कड़ी है जिसमें ये सारे दहशतगर्दी के वाकयात होते आए। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि लेट्स नॉट बार्क अप द रॉन्ग ट्री, एक बिल्कुल लेट ट्राई टू फाइंड, हमें एक आइडियोलॉजिकल स्पिरिचुअल थिंक टैंक है, हमारा काम दहशतगर्दी नहीं है, हम दहशतगर्दों के खिलाफ है, और मुल्क के जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं दे आर आफ्टर माई ब्लड ऑल्सो, मुझे भी खतर की धमकियां तहरीक तालिबान की तरफ से, दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से, इसलिए मैं उनके खिलाफ बात करता हूं, ज्यादा हमारा कॉमन एनिमी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, देखिए पहले देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में पहले जो लड़ाई होती थी, पहले जो पाकिस्तान में एक्सेस था जो फसाद होने का, वो देवबंदी शिया एक्सेस था, यानी सिपाही साहबा और सिपाही मोहम्मद की जो लड़ाई होती थी वो ये एक्सेस चल रहा था, और इसको शिया सुन्नी नहीं कहेंगे, इसलिए अहले सुन्नत वाले और बरेलवी और तसव्वुफ वाले रहने तरीका इस अदोबारा में शामिल नहीं हुए। तहरीके तालिबान के जो एलिमेंट्स शामिल हुए उन्होंने इसको मजीद भड़काने की कोशिश की, उन्होंने इसको देवबंदी अहले हदीस फसाद भी बर्पा किया,
यानी जब जमात दावा के लोगों ने जाकर अफगानिस्तान में जहाद करने की कोशिश की तो बैतुल्ला महसूद के लोगों ने उनको कतल किया और एक मजीद फसाद खड़ा हो गया उस लोकल एरिया के अंदर कि जमात क्योंकि जमात दावा का ताल्लुक अहले हदीस मसलक से है सलफी मसलक से है उनका फसाद हुआ तहरीक तालिबान के साथ कोई गलत झगड़ा हुआ फिर पारा चिनार ने तीसरा एक्सेस बिल्ड किया इन्होंने और ट्राइबल एरिया ने खैबर एजेंसी में खासतौर पर वहां देवबंदी बरेली फसाद हुआ तीरा वाले में आपने देखा कि खैबर एजेंसी के आखिरी बैलेंस के अंदर वहां बाजारों की बॉम्बिंग शुरू कर दी गई वहां देवबंदी बरेली फसाद शुरू कराया गया तो ये इस वक्त ये तीसरा एक्सेस है हमारे मुल्क में जो फसाद बर्पा कराने की कोशिश की जा रही है देवबंदी बरेली एक्सेस के ऊपर और हम यही वार्न कर रहे थे जिसकी वजह से लोग हमसे यही कह रहे हैं कि साहब आप जब अपने यूसुफ वाले इल्जाम को खोल के अलग ऐलान बयान क्यों नहीं कर देते और प्राइवेटली मैं सारी महफिलों में यही बात कहता था कि इस बयान को खुला खुला कर दूंगा मगर मैं तो इसके नतीजे में मुल्क में देवबंदी बरेली इंतजार फैलने का अंदेशा और यही अब वही फितना क्योंकि जाहिर इख्तलाफ रहा है मसलक का इख्तलाफ है जिसकी वजह से अहले सुन्नत और फुकरा और औलिया एक तरफ है और देवबंदी और दूसरे मसलक के मुसलमान एक तरफ होते तो इख्तलाफ पैदा हो जाता है वो किसी यहां कुफर और तकफीर आम है आप अगर यूट्यूब पे चले जाइए अगर मनाजरे देखें तो जो मसलकों के दरमियान हो रहे हैं तो अस्तक छोड़ना इंसान काम जाता है कि किस किस्म का फसाद बर्पा हुआ हम इस किस्म के फसाद में नहीं पढ़ना चाहते हम कोई मनाजरा या मुबादला नहीं करना चाहते आई एम ए डिफेंस एनालिस्ट आई एम ए थिंकर आई एम एनालिस्ट आई एम ए राइटर आई एम हिस्टोरियन आई एम नॉट अब मुबादला एक्सप्रेस और बहस मुबादला करने वाला मजहब ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं आई वांट टू अवॉइड दिस ये उलमा के काम होते करते लिहाजा दैट इज वाई हम इस इशू को दबाना चाहते हैं और वो तमाम लोग जो इस इशू को उठा रहे हैं उनसे हम साफ कहेंगे खुदा के वास्ते रब की हदाकत को समझे हमारे बदतरीन दुश्मन इंडिया से लेकर सीआईए तक हमारे इस मिशन को रोकना चाहते हैं हमारे खिलाफ अमेरिकन न्यूज पेपर में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं सीआईए स्पॉन्सर्ड आर्टिकल प्लॉट किए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जितने भी सब नेशनलिस्ट एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं वो हमारे खिलाफ निकले हुए दहशतगर्द एलिमेंट्स हमारे खिलाफ निकले हुए तो खुदा के वास्ते कम अज कम मजहबी तकनीकों को समझना चाहिए जो इस्लाम का नाम लेती है आप हमारी आवाज को दबाकर हमारे मिशन को खराब करते हैं किसकी खिदमत कर रहे हैं वी हैव अ कॉमन एनिमी लेट्स ज्वाइन हैंड्स नॉट फाइट अमंगस्ट ईच अदर और ये बात अगर हमारी उलमा को समझ में नहीं आती तो फिर इन लिल्लाह वजह ले आती लेकिन उलमा समझ रहे माशाल्लाह हमारे साथ भी बुजुर्ग बैठे और हजारों हैं ये सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है माशाल्लाह फुकरा और दिया अहले तरीकत की तरफ से और कोई मुशायरे की तरफ से नाउज़ुबिल्लाह हम कोई काफिले दूसरे को बोलते हम तेरे बोलते बोलते नहीं हम तेरे बात कर रहे हैं किसी ऐसे शख्स से बात का ताल्लुक रख ना है ना उसके अकीदे को हम बढ़ा रहे हैं जो खत्म नबूवत का मुनकर या किसी किस्म के पास ख्याल का ताल्लुक रखता हूं यूसुफ अली से कतई किसी हवाले से आज तक हमने चार सौ प्रोग्राम किए आइडियोलॉजी को प्रमोट किया कहीं कोई बता दे के खिलाफ शराब को पास किसी किस्म के अंदर आइडियोलॉजी अगर शरीयत के अलावा प्रमोट कर रहे हो तो हमें बता दें फिर किस बात पर इतराज करते हैं जिसकी वजह मैं उसकी वजह अपनी वादे बता दूं कि चार पांच दिन तक तो बी ऑनेस्ट मैं सिर्फ इंतजार करता रहा जो पुलिस कब आ रही है और व्हेन आई रियलाइज कि जब पुलिस क्योंकि उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फायदा कोई नहीं था बिकॉज दे वर आई वॉज अ डोमिनेटेड पर्सन मैं कोई भी बात करूं अपने दिफा में कोई मायने नहीं रखी और दूसरी बात यह कि इस्लामाबाद में पोलन सीजन शुरू हो रहा था मुझे पोलन एलर्जी है थोड़ी सी है हसासियत है दमे की तकलीफ शुरू हो जाती है तो आई वॉन्टेड टू डू प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये बयान आ गए उलमा के कि भाई जैन हामिद नॉमिनेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है अब मामला क्लियर हो गया आई वॉन्टेड टू डू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इन इस्लामाबाद लेकिन अब इस्लामाबाद में रुक नहीं सकता था पिछले दो तीन दिन बड़ी मुश्किल से मैंने गुजारा क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम मुझे शुरू हो गई थी आई हैड टू टेक मेडिकेशन एंटी एलर्जी एंड ऑल दीस थिंग्स तो दोस्तों ने कहा कि लाहौर एक बड़ी जगह है लाहौर प्रेस क्लब मशहूर है अच्छा है हम ये इंतजाम कर देते हैं आप इधर आइए कीजिए आई डू द प्रेस कॉन्फ्रेंस आई स्टे फॉर 10-15 डेज है इंशाल्लाह जब मौसम बेहतर हो जाएगा मैं बिट्टी वापस चला जाऊंगा काम नॉट कोई नहीं मेरा देर इंशाल्लाह एक मुफ्ती जान अभी काफी साहब से अगर आपको पूछना चाहें तो करना पड़ेगा आई अल्लाह